इंट्रोडक्शन टू वेब एंड एचटीएमएल, ठीक अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट इज प्रोग्राम टू सेंड फाइल्स टू ब्राउजर्स ऑन द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। वेब सर्वर ऐसे सर्वर्स हैं जो कि आपको वेब के ऊपर जो रिक्वेस्ट आती है उसको इनिशिएट करते हैं, ठीक है, और वेब ब्राउजर पे आपको व्यू होता है। वेब ब्राउजर जैसे फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ क्लाइंट दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू अ वेब पेज, ठीक है। वेब सर्वर आंसर्स द रिक्वेस्ट एंड डिलीवर्स द रिक्वेस्ट। इसी तरह से आप वेब के ऊपर चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है। एचटीटीपी, ये क्या है? एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अलाउज कंप्यूटर्स ऑन द ट्रिपल डब्ल्यू टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, ठीक है। आप देखें कोई भी वेबसाइट होगी तारिक, वो हमेशा एचटीटीपी से स्टार्ट होती है, जो यूआरएल, अभी हम यूआरएल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है। तो एचटीटीपी क्या करता है? वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। हैंडल्स द रिक्वेस्ट सेंड टू द वेब सर्वर एंड द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द वेब ब्राउजर, ठीक है। अब ये बेसिकली ये फिनोमेना हो रहा है जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। क्लाइंट के पास जो ब्राउजर होता है वो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट सेंड कर होता है, और एचटीटीपी की जो रिक्वेस्ट है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है वेब सर्वर, और आपके पास इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। ये अब यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज एड्रेस। यू टिपिकली टाइप इट ऑन योर वेब ब्राउजर्स लोकेशन बार व्हेन यू वांट टू व्यू अ वेब पेज, ठीक है। जैसे देखें, अब ये जो एचटीटीपी है ये प्रोटोकॉल है नीडेड टू कम्युनिकेट विद वेब सर्वर, ठीक है। और राइट साइड के ऊपर नेम ऑफ द सर्वर है, जैसे हमने kpk.edu की एक वेबसाइट बना दी। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की है कि बहुत वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें https लिखा हुआ आ रहा होता है, जैसे आप जीमेल ओपन करें, फेसबुक ओपन करें, ट्विटर ओपन करें, तो https लिखा हुआ आ रहा होता है। मुझे कोई आंसर करेगा कि ये क्यों लिखा हुआ आ रहा होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन https एंड https? https सिक्योर्ड होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। और कोई बेसिक आप मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे महफूज भाई? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो https होता है वो इट स्टैंड फॉर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, SSL सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी होती है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाना चाहें, ठीक है, तो उस वक्त आप SSL का सर्टिफिकेट बाय करते हैं। जो आप SSL का सर्टिफिकेट बाय करते हैं उससे आपका जो वेब एड्रेस होता है उस पे HTTPS लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। ये करता क्या है? ये थर्ड पार्टी है कि जो आपकी ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहा होता है, ठीक है, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई फॉर्म है या कोई और चीज़ है जिससे आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो वो उस पर स्पैमिंग वगैरह नहीं हो सकती है, ठीक है। और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दरमियान वाले बंदे को नहीं पता होता क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। इसलिए ये थर्ड पार्टी सर्विस हम बाय करते हैं और इसको HTTPS कहते हैं। ये पॉइंट मेरे माइंड में आ गया था, मैंने कहा ये भी आपसे डिस्कस कर लूँ। ओके, आगे मूव करते हैं। HTML stands for hypertext markup language used to create web pages made up of tags, specifically a structure of document, ठीक है। This section is a heading, this section is a paragraph, etc. Right side के ऊपर आपको HTML की basic जो है ना वो एक text लिखा हुआ है HTML का। इस text को अगर आप notepad में copy करके save as HTML करेंगे तो ये title उसके ऊपर और H1 हेडिंग हम आपको शो हो रही होगी, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर के बाद, अभी मैं आपको थोड़ा सा ये HTML के टैग्स के बारे में बता दूं, और आफ्टर द ब्रेक जो हमारे पास टाइम रह जाएगा उसमें हम W3 स्कूल्स पे जाएंगे और वहां से एग्जैक्ट हेडिंग कैसे बनाते हैं और बाकी चीज़ें कैसे बनाते हैं उसके हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, ताकि आपको ये HTML का सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। क्लियर, आगे मूव करते हैं। HTML टैग्स, most html tags are in pairs, there is an opening and a closing tag, ठीक है। याद रखें html के जितने भी टैग्स हैं, मैक्सिमम टैग्स की आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट होती है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो p का टैग है और उसके अंदर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो वो आपका ब्राउजर के ऊपर पैराग्राफ आपको नजर आएगा, ठीक है। ये कुछ मजीद html टैग्स को हम देखते हैं, ठीक है, जैसे ये सम कंटेंट हेयर, पी को हमने स्टार्ट किया, पी को हम, इसका एक स्टार्ट टैग है और एक एंड टैग है, ठीक है।
सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, ये ब्रेक जो होती है, जैसे अगर आप किसी जगह पे टेक्स्ट में ब्रेक यूज करना चाह रहे हैं, तो ब्रेक वाइज ऐसा टैग है कि जिसकी सिर्फ एंडिंग होती है और इसकी स्टार्टिंग नहीं होती। ठीक है, अगर आपने एक पैराग्राफ में किसी जगह पे एक लाइन बड़ी हो रही है और आप चाहते हैं कि वो ब्रेक करके नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, उसके लिए आप BR का टैग यूज करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड टैग्स, ऑल HTML डॉक्यूमेंट शुड हैव HTML हेड एंड बॉडी टैग्स विद द डॉक टाइप आइडेंटिफायर। ठीक है, ये ऊपर सबसे पहले आपके पास एक डॉक टाइप आ रहा होता है, वो आइडेंटिफाई कर होता है, ठीक है, कि यह आपका HTML, मतलब HTML5 है, HTML सिंपल HTML है, तो उसके डॉक टाइप को बेसिकली ये ब्राउजर को बता रहा होता है कि ये इस किस्म का डॉक टाइप है। ठीक है, उसके अलावा HTML हेड टाइटल और बॉडी, ये HTML के बेसिक टैग है, जो HTML की स्टार्टिंग और एंडिंग है, इसके दरमियान ये सारे के सारे टैग्स आ रहे होंगे। ठीक है, ये हर HTML डॉक्यूमेंट में जरूरी है कि आप ये वाले टैग्स लाजमी यूज करें, बाकी सारे टैग्स ऑप्शनल टैग्स होते हैं। ओके, ये आपके पास बेसिक HTML का टेम्पलेट है, इसको आप टेम्पलेट डॉट HTML कह सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो इसको अगर आप कॉपी करें, ठीक है, ये डॉक टाइप बता रहा है कि ये HTML का पेज है। ठीक है, इसमें हेड है, हेड के टैग के अंदर आपका टाइटल आता है, तो आपने टाइटल में कोई भी लिख दिया कि ये एक HTML टेम्पलेट है, और उसकी बॉडी में आपने जस्ट एक टेक्स्ट लिख दिया, वो टेक्स्ट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक HTML का टैग है, और उसकी आउटपुट ये ऐसे आ जाएगी आपके पास। अगर आपने नोट पैड में इसको, इस वाले टेक्स्ट को लिख लिख के इस नोट पैड को सेव करें टेम्पलेट डॉट HTML, तो आपको आउटपुट ऐसी नजर आएगी। ठीक है, ये अभी आप हम प्रैक्टिकली ब्रेक के बाद परफॉर्म करेंगे सारी चीजों को एक एक करके। सही, आगे चलेंगे। ये कुछ और टैग्स हैं HTML के, जैसे P की स्टार्टिंग और P की एंडिंग, ये आपको पैराग्राफ बनाता है, ब्रेक लाइन ब्रेक्स को ऐड करता है, हॉरिजेंटल लाइन क्या करता है कि ये आपकी एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर देता है। हेडिंग के टैग्स हैं H1 से लेके H6 तक, ठीक है, ये डिफरेंट हेडिंग्स को डिस्प्ले करते हैं। अगर आपने किसी चीज को कमेंट करना हो, तो जैसे PHP में कमेंटिंग होती है, इस HTML की बेसिक कमेंटिंग जो है ना, वो ऐसी होती है कि आपकी स्टार्ट ब्रैकेट है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दो हाइफन टैग्स हैं, और एंड पे आप उसको खत्म कर देते हैं, तो ये आपका कमेंट इंसर्ट कर देता है। ठीक है, कमेंट्स जो होते हैं वो जस्ट कोडिंग के लिए होते हैं, और वो ब्राउजर एंड के ऊपर शो नहीं होते। ठीक है, ऑर्डर लिस्टिंग है, जो आपके पास 1, 2, 3 या ABC इस किस्म की लिस्टिंग जनरेट करेगी। अनऑर्डर लिस्टिंग है, ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेगी। इमेज का टैग, ये आपके डॉक्यूमेंट को बताएगा कि यहाँ पे इमेज है, ठीक है, उसका सोर्स कोड आप डालते हैं, और ये भी हम जो है इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। लास्ट वन इज एंकर टैग, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या करता है, लिंकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, एक लिंक से अगर आप दूसरे लिंक पे जाना चाहें, ठीक है, तो इस तरह से आपके ये एंकर टैग्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ की एग्जाम्पल है आपके पास, इस तरह से ये ऐसे पैराग्राफ शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वैसे कुछ चीजें आपके लिए ली हैं। ठीक है, जैसे लाइन ब्रेक देखें, आपने पैराग्राफ में रोजेज आर रेड वायलेंट और ब्लू, अब आप भी चाहते हैं कि ये एक लाइन में ना आए, तो आपने ब्रेक का टैग यूज किया। जब आपने ब्रेक का टैग यूज किया, तो देखें वो ऐसे ऐसे आपके पास शो हो रहा है। क्लियर है, हॉरिजेंटल रूल एग्जाम्पल है ये। ठीक है, जब आप HR का टैग डालते हैं तो क्या होता है, देखें जैसे ही आप HR का टैग डालेंगे, तो इस किस्म की एक लाइन आपको शो हो जाएगी। ठीक है, ये W3 स्कूल्स में, मैं आपको जाके ना, बल्कि वहां पे ऑनलाइन एडिटर है, उस ऑनलाइन एडिटर में जाके हम ट्राई करेंगे, आप लोग भी ओपन करेंगे साथ साथ ब्रेक के बाद, तो हम जो HTML के जो बेसिक टैग्स हैं वो हम इंशाल्लाह ताला आज सीख लेंगे। अब देखें, ये आपने अगर हेडिंग्स डिस्प्ले करवानी है H1 से लेके H6 तक, तो वो ऐसे आ जाएंगी, देखें दिस इज हेडिंग वन, दिस इज हेडिंग टू, दिस इज, उसकी आउटपुट ऐसे आ जाएगी। अगर आप सेव उसी HTML के डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें डालते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। ठीक है, ये कमेंट की एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ सैंपल ऑफ HTML टू स्टेट द कमेंट, हियर इज माय पैराग्राफ, हियर इज अनदर कमेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कमेंट है वो आउटपुट पे नजर नहीं आ रहे, वो जस्ट आपके पास इनपुट में नजर आ रहे होंगे। नाउ आगे मूव करते हैं, ये ऑर्डर लिस्टिंग की एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने एक लिस्ट आइटम डाला, दूसरा लिस्ट आइटम डाला, और OL को खत्म कर दिया, तो आपके पास वैसे 1 और 2 ऑर्डर लिस्टिंग की स्क्रीनशॉट ये आपके पास आ गई। ठीक है, इसी तरह से अनऑर्डर लिस्टिंग में आपने 3 लिस्ट आइटम्स डाले, ठीक है, तो ये आपके पास अनऑर्डर लिस्टिंग की एग्जांपल्स आ रही है।
ठीक है, या आपके पास लिंक की एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ahref www.csumbc.edu, तो ये जो है ये क्या करेगा, ये आपको उस जगह पे लिंक कर देगा, और उसके नीचे ये इमेज की एग्जाम्पल है, इमेज सोर्स लाइनक्स डॉट टक्स डॉट png, और उसका ऑल टेक्स्ट। अच्छा कोई बताएगा ऑल टेक्स्ट क्या होता है, इमेज में उसने ऑल टेक्स्ट यूज किया हुआ है महफूज भाई? महफूज भाई आर यू देयर? महफूज भाई या एनीवन एल्स, ये ऑल टैग क्या है इमेज के अंदर, किसी ने इसके बारे में पढ़ा है इससे पहले? व्हाट इज ऑल टैग? एनीवन एल्स प्लीज, आई एम वेटिंग। जिया भाई, वसीम भाई, ये ऑल टैग्स जो सर्च इंजन्स हैं उनको ये बताता है कि, क्योंकि सर्च इंजन आपको पता है वो इमेज को रीड नहीं कर सकते, वो एचटीएमएल को रीड करते हैं, तो वो उसको ये बताता है कि ये इमेज इस बारे में है। ठीक है, आप ऑल टैग में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो सर्च इंजन के लिए रीडेबल होता है, ठीक है, कि वो समझ जाए कि ये है इमेज है, लेकिन इसमें ये इमेज किसके रिगार्डिंगली है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अपने डेटाबेस पे इंडेक्स करता है, इसलिए हम ऑल टैग्स को यूज करते हैं। ठीक है, ऑल टैग्स में हम बता रहे होते हैं कि ये इमेज बेसिकली इसमें क्या यूज हो रहा है। ओके, ये देखिए इमेज का स्क्रीनशॉट आ गया, जो इमेज आपने लिया था। ठीक है, इसी तरह से ये आपने एग्जांपल करनी है, यूजर पेजेस डॉट एमबीयू डॉट एक्सएमएल, तो इस पे देखिए ये जैसे आप हमने लिखा था तो ये नीला हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे लेके चलेगा, ये हाइपरलिंक बना हुआ है जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी इन्फॉर्म, बाकी हम फिर ब्रेक करेंगे अभी, और ब्रेक के बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे आज का, तो आज का ये बेसिकली एचटीएमएल के थ्योरेटिकल पोर्शन था सारा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी इन्फॉर्म। एनी क्वेश्चंस, एनी वन एल्स, समझ आई है एचटीएमएल की? 5 मिनट्स हमारी रिमेनिंग है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा मुझे जिया ने पूछा इफ इमेज मिसिंग इट विल डिस्प्ले, वेरी गुड वेरी गुड जिया भाई, आपने एग्जैक्टली बताया कि जब आपका इमेज किसी पेज में लोड नहीं हो रहा था तो ऑल टैग उसको बताता है कि इस इमेज को लोड कर दो। ठीक है, एक तो ये होता है जिया भाई, दूसरा ये होता है कि ऑल टैग जो है आप क्रॉलर को बता रहा होता है, गूगल के एल्गोरिदम को बता रहा होता है, या किसी सर्च इंजन के एल्गोरिदम को बता रहा होता है कि ये इमेज इसके अबाउट है। ठीक है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट एल्गोरिदम नहीं है कि वो इमेज को रीड कर ले, इमेज रीड नहीं हो रहा होता, उसका बैक एंड रीड हो रहा होता है। ठीक है, तो वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज इन्फॉर्म, बाकी मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं था, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारे के सारे टैग्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको आज की डेट में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने जो मूव करना है वो है कि ड्रीम वीवर इंस्टॉल करवाऊंगा कल कल आपको मैं। ठीक है, ड्रीम वीवर की मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी कोई अच्छी सी फाइल डाउनलोड करूँ ड्रीम वीवर की, और वो मैं किसी सेंट्रल लोकेशन पर रख लूँ ताकि आप लोग उसको सेव कर लें। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जो HTML है इसको, इसके लिए जो सबसे बेस्ट एडिटर है ना वो अडोब ड्रीम व्यूवर है। ठीक है, जैसे फोटोशॉप है अडोब का, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो मेरे ख्याल में अडोब ड्रीम व्यूवर CC है। ठीक है, इससे पहले CS5 था, CS6 था, लेकिन अभी अडोब ड्रीम व्यूवर CC है, और अडोब ड्रीम व्यूवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें न सिर्फ HTML XML PHP बल्कि .NET की एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम W3 स्कूल्स पे जाएंगे, और W3 स्कूल्स पे जाके हम HTML की एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वेबसाइट टू प्रैक्टिस HTML एग्जाम्पल्स। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम? महफूज भाई, जिया भाई एंड बाकी टीम, काइंडली अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें, अगर क्लियर है तो ठीक है।
बाकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने सुनी है, जो आपके गिले हैं वो हम लोगों मैनेजमेंट तक लाजमी डिस्कस करें, राइट। इरफानुल्ला ने कहा इट्स क्लियर, वसीम ने भी कहा इट्स क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। नादिया आप हमारे साथ मौजूद हैं? नादिया आई थिंक कि अगर अगर क्लियर है सबको तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, आप पूछ लें एक दफा। ठीक है, ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद हमने प्रैक्टिकल करना है, 2 बजे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। जी ठीक है, 2 बजे तक ब्रेक होगा। ओके, 2 बजे तक ब्रेक है सब लोग, फिर भी कोई ओके क्वेश्चन है तो काइंडली अभी पूछ सकते हैं। और वंस अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे,